कोई बात नहीं। हाँ तो अगर यहां से ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएंगे, टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स और डिस्टेंस आपका लेस देन जीरो हो गया तो आप जानते ही हो कि आपके इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स। ये आप कॉम्प्लेक्स में प्रूव, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे सब। देखो अभी एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब मान लो ये है आपका, ठीक है, इसको कंपेयर करोगे इससे तो यार a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू वन है, यानी ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये हो गया अपवर्ड ओपनिंग तो बनेगा ही बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग बनने वाला है, ठीक है, ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग बनने वाला है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, कहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई इज इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व कर लो, वाई इज इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करो इसको, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करोगे, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू टू और थ्री आ गई। बस इतना खर्च करना होता है आपको, मैंने डिस्क्रिमिनेंट भी चेक नहीं किया, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा इसका, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट बनाने पर आ गया, मैं एग्जैक्ट कैसे बन जाएगा ग्राफ, तो ग्राफ की कहानी क्या है, इस तरीके से आ जाएगा, ये एक्स है ये वाई है, ये टू वाला पॉइंट है जीरो कॉमा टू, इधर कहीं होगा जीरो कॉमा थ्री, सॉरी टू कॉमा जीरो थ्री कॉमा जीरो। यहां से भी पास होना है कर्व ने, यहां से भी पास होना है और ऊपर को खुलना है, कर्व कुछ ऐसा करके आएगा, ये होगा ऐसे करके, ठीक है। ये तो इतनी जानकारी हो गई, कम से कम इतना प्लॉट करना आना चाहिए। फिर कभी कभी अब ऐसे में क्या पूछता है, फिर वो फिर आपसे पूछ देगा, अगर अब यहां से एक और चीज ग्राफ में देख के एक और बना सकते हो आप मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन, क्या पूछेगा आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछेगा इसमें, करो कि मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहां पर क्या होता है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हो, उसका स्लोप पहले जीरो कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, ग्राफ बना तो आ गया चलो, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट अगर निकालना है, मान लो कहां पर आ रहा है ये पॉइंट निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया भाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ गया, टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू टू पॉइंट फाइव आ गई, बीचों बीच का पॉइंट आ गया वो। अच्छा ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2.5 को वापस पुट कर दो इसमें, वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा आपका, वो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, ठीक है। तो आपको एक बार ग्राफ का आइडिया है तो आप मैक्सिमम मिनिमम भी दिखता है, मतलब क्या हो रहा है कि भाई डिफ्रेंशिएट के यहाँ पर स्लोप जीरो किया तो एक्स इतना आया, यानी लोकेशन तो पता चल गई। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हमेशा वैल्यू हमेशा वाई में मेजर हो रही होती है, उस एक्स को वापस पुट कर दो इसमें, आपको मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी, मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा इसमें, हमेशा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में या तो मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा, लेकिन पूछेगा ही दोनों नहीं पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो ग्राफ चलता जाएगा इनफिनिट, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये आ जाएगी 2.5.0। लिख लो इतना, लिख लो यार, तुम्हें कैसे पता चलता है रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता चल जाता है क्या तुम्हें? हाँ सर, तो रिकॉर्ड तो हो रहा है।
डाले तो थे यूट्यूब पर, डाल दिया क्या सर ने? एलियस सर ने डाल रखे ना शायद, ठीक है उसमें डाले हैं सर ने, कुछ तो डाल रखे हैं। चलो देखो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। y is equal to x square, बनाओ y is equal to x square, इसका ग्राफ बनाना है आप। ठीक है बहुत कॉमन भी है, y is equal to x square आपको पता होना चाहिए, मतलब अच्छा कुछ डिस्कस तो नहीं करना है, कुछ डाउट्स वगैरह हैं इंटीग्रेशन वगैरह के? हाँ जो भी आप कुछ डाउट्स हैं। यस सर। थोड़ी देर में ये तंग दे रही है, ठीक है पहले कुछ चार पांच बना लेते हैं उसके बाद कर लेते हैं डिस्कस। लेफ्ट वाला हो गया होगा ना सबका, इधर का हो गया, ये तो हो गया होगा। हाँ भाई बना किसी का, एक ये बना लेना, अगर ऐसा बना लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बना लेना, ऐसा बना लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बना लेना, एक्स स्क्वायर माइनस वन बना लेना, एक्स माइनस वन का स्क्वायर बना लेना, हाँ भाई पहले वाले में बी वाले में देखो, तो बी वाला कैसे बनाओगे? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर का हो गया, इधर ही बना दो, चलो इधर बना देते y is equal to x square की कहानी क्या है? पहले तो इसके सॉल्यूशन देख लो, पहले तो ये अपवर्ड ओपनिंग होगा, बताओ a greater than 0 है इसका, ठीक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी नहीं है ax square plus bx plus c टाइप की है,
ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी कैन नॉट बी जीरो. ए को जीरो थोड़ी ना कर लोगे, ए को जीरो हो गया तो यार एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया फिर तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. समझ में आई बात? फिर वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. तो ए तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता. जैसे यार ये बी और सी जीरो है, क्या फर्क पड़ता है? तो y is equal to x square, a greater than 0 आ गया, a की वैल्यू 1 है जो कि greater than 0 है, तो अपवर्ड ओपनिंग तो होगा ही होगा. और इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, y is equal to x square is equal to 0 के सॉल्व करोगे दो रूट आएंगे 0 कॉमा 0. ठीक है, यानी दो इक्वल रूट आ रहे हैं और ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है, ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है और दो इक्वल रूट आ रहे हैं. कहां पर आ रहे हैं दो इक्वल रूट? जीरो पर आ रहे, यानी यहां पर, यानी ग्राफ दो जगहों पर कट ना करते हुए एक ही जगह पर कट करेगा. तो पहले ऐसे करता था, अब वो खाली टच करेगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा, इक्वल रूट है ना, दो सॉल्यूशन की जगहों पर अब एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन दोनों है लेकिन इक्वल है. तो अभी तो था टू और थ्री मिल रखे थे, अगर इसी को ऊपर वो शिफ्ट करते जाऊंगा कभी क्या होगा कि ग्राफ इसको एक पॉइंट पर टच करेगा. जब एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब आपके दोनों रूट इक्वल है. अच्छा, अगर टच ही नहीं कर रहा है, टच ही नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा? रियल रूट्स आएंगे ही, मतलब इसको ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, मान लो ग्राफ ऊपर ऊपर ही बन गया, बनेगा आगे आगे बनेगा, इनमें से कोई वो भी बनेगा. दोनों रूट इक्वल आएंगे कैसे? देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करो, क्या सॉल्यूशन मिलेगा? जीरो कमा जीरो ही तो आएगा, एक्स भी एक्स दोनों बार जीरो ही तो आ रहा है, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, जीरो ही तो होगा इसका सॉल्यूशन. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, दूसरी कोई वैल्यू नहीं आएगी. हाँ सर, ठीक है ना. अब जीरो का रूट लोगे प्लस माइनस जीरो ही तो आएगा, प्लस माइनस जीरो मतलब जीरो ही हो गया, दोनों जीरो ही आएंगे. ठीक है, चलो बनाओगे, ट्राई करोगे, बाकी मैं बताते जाऊं. हाँ जी भैया बताओ, ट्राई करोगे नहीं बताते जाऊं. जी भैया ट्राई करते हैं, दो मिनट. ठीक है चलो ट्राई करते. हो जाएगा तो बताए ना, बनाते जाओ, सारे बनाते जाओ, 5 मिनट बाद में बताना चालू करूंगा. सर सर बोलो. तो माइनस एक्स स्क्वायर वाले का डाउनलोड कर होगा. हाँ बस इसको घुमा देना, ऐसे घुमा दोगे ना, इसको नीचे को घुमा दोगे तो आएगा. ओके करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, बाद में एक साथ बताऊंगा.
मुझे हो गया क्या? क्या आवाज आई है? नेटवर्क वीक है क्या? करते हैं ठीक है. y is equal to minus x square का ग्राफ कैसे होगा? पहले तो ये a की वैल्यू है minus 1 less than 0 तो डाउनलोड ओपनिंग है ना. यहां से क्या था, a greater than 0 अपवर्ड ओपनिंग, यहां से डाउनलोड ओपनिंग. डाउनलोड ओपनिंग आ जाएगा. सॉल्यूशन क्या आएंगे? सॉल्यूशन आएंगे जब y क्या है माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो के लिए सॉल्व करोगे, बस जीरो और जीरो ही आएंगे. तो डाउनवर्ड ओपनिंग है और जीरो पर ही वो इस बार क्या करेगा, टच करते हो जाएगा. कहां पर टच करते हो जाएगा? सेम चीज हो गई, ऐसा आ जाएगा ठीक है ना. ऐसे ग्राफ आ जाएगा. डी वाला y is equal to x square plus 1 आएगा तो a greater than 0 है, upward opening आने वाला है. a greater than 0 है तो upward opening, opening. y is equal to x square plus 1 is equal to 0 के लिए सॉल्व करोगे, मतलब x square की वैल्यू आई है minus 1, तो x square की वैल्यू minus 1 आ रखी है, मतलब x के रियल रूट्स, रियल रूट्स आ ही नहीं सकते. और अगर रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है ठीक है, ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है. अच्छा और क्या बता पाओगे फिर इसको? तो कैसे बताओगे फिर? एक काम कर लो. रूट ऑफ नेगेटिव वन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना. हाँ आयोटा आयोटा आई आएगा आयोटा. वो प्लॉट नहीं होता, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन है, इसमें प्लॉट नहीं करते. उसमें आर्गन्स प्लेन होता है, वो उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाला होता है. तो वो वाला अपने उसमें नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ोगे वहीं पढ़ोगे सब कुछ, मैथ का खेल हो. तो हमारा तो इतना हो गया कि भैया रियल रूट तो नहीं आ रहे, अब कैसे प्लॉट करें भाई? इतना तो पता ऊपर खुला है, इतना कंफर्म हो गया. ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन x एक्सिस को कट नहीं करेगा, इतना कंफर्म है. तो एक काम करते हैं ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आती है? इसकी मिनिमम पूछेगा ना, फिर मिनिमम वैल्यू कुछ आएगी, वो चेक कर लो कहाँ पर आ रही है. थोड़ा और क्लियर करने के लिए डीवाई बाई डी एक्स करो. डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x प्लस जीरो. इसको जीरो के लिए सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस बात है एक्स इक्वल टू जीरो पर आ रही है ठीक है. एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी. कितनी आ रही है एक्स इक्वल टू जीरो पर? वाई कितना आ रहा है? वन. एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करो, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन. तो इतना कंफर्म हो गया है कि ये ग्राफ ऊपर ऊपर को ओपनिंग है और जो इसका मिनिमम मिलता है, मिनिमम जो आता है, मिनिमम क्या होता है? ये वाली चीज. ये कहां पर आ रही है? एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स जीरो वाई वन, यानी यहां आ रहा होगा. ये हो जाएगा इसका ग्राफ. समझ में आई बात? एक चीज तो पहले अपवर्ड ओपनिंग है, दूसरा कोई रियल रूट नहीं है, तो एक्स एक्सिस को कट करने से रहा. फिर कहां बनेगा अपवर्ड? तो बना दोगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो मिनिमम वाला और चेक कर लो. मैक्सिमम मिनिमम कौन सा बताया था आपको? डिफरेंशिएट करके जीरो सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है. दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मिनिमा ही आएगा, कंफर्म है. चाहे तो क्या होता है, हाँ भाई केतन, अगर मिनिमा होगा तो क्या कंफर्म हो? कैसे कंफर्मेशन लेते हो? अगला स्टेप क्या है? नेगेटिव आना चाहिए.
नेगेटिव आना चाहिए, इसको दोबारा डिफरेंट ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, अगर मैक्सिमम पॉजिटिव आना चाहिए. हाँ, इसको इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, टू बचेगा जीरो, और टू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है यानी यहाँ पर मिनिमम मिला होगा. ठीक है, अगर तो डबल डिफरेंशिएट मारो, अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा है, लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा है. हाँ भाई, डी तक हो गए, ई बनाओ, ई एफ हो गए, किसके किसी ने सारे बना लिए क्या? बन गया क्या? देखो ई वाला, देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन. पहली बात तो अपवर्ड ओपनिंग है, दिख रहा होगा अपवर्ड ओपनिंग है. ये क्या होता है, इसका कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो ए होता है, वन है, तो अपवर्ड ओपनिंग तो आई है. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, x आ जाएगा रूट वन प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस वन आ जाएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे. वन पुट करोगे देखो तब भी जीरो हो जाएगा, माइनस वन पुट करोगे तब भी जीरो हो गया, खत्म कहानी. एक आ रहा है वन कॉमा जीरो, एक है माइनस वन कॉमा जीरो. अपवर्ड ओपनिंग, अगर डाउनवर्ड ओपनिंग होता तो ऐसे बन जाता, ऐसे बन जाता, अपवर्ड ओपनिंग है तो ऐसे गलती बन जाएगा. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का यूज नहीं होगा. डिस्क्रिमिनेंट का यार क्या यूज होगा बताओ, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना. डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, इसका ग्रेटर देन जीरो आएगा, उससे बस ये हो जाएगा कि दो जगहों पर कट करेगा. डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है ना तो दो जगहों पर कट करेगा. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो एक जगह पर टच करेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो ग्राफ इस टाइप का है. तो हमने तो उससे ज्यादा बेटर चीज कर ली ना, हमने तो दो पॉइंट निकाल ही लिए, हम तो वो दो पॉइंट निकाल ही ले रहे हैं. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो ये बताएगा कि दो जगहों पर कट करेगा, ये नहीं बताएगा कौन कौन से पॉइंट है. हम तो पहले ही वो सॉल्व कर ले रहे हैं कि वो दो पॉइंट कौन से है, काम डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप. ठीक है ना, वहां पर अगर डिस्क्रिमिनेंट डिफरेंट जीरो होगा तो दो जगहों पर कट करता, वहां पर थोड़ा लिखना भूल गया था मैं, वहां पर चाहे तो लिख लेना. अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है मतलब इतने रूट्स हैं और विल कट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, लिख लो वहां पर, लिख लो जहां पर लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, वहां पर लिख लो इफ डी ग्रेटर देन जीरो द कर्व विल कट एक्स एक्सिस एट टू different points, at two different points. Simple, लिख लो cut x axis at two different points, d greater than zero. d equal to zero पर, d equal to zero पर क्या होगा? Will touch x axis. Will touch x axis at a single point. तीसरा, जब d less than 0 है जहां पर नो रियल रूट है वहां पर लिख देना विल नॉट कट, विल नॉट पास थ्रू या फिर विल नॉट कट x एक्सिस, विल नॉट कट और टच x एक्सिस. क्योंकि भाई ये जीरो हो ही नहीं पा रहा ना, y की वैल्यू जीरो के लिए सॉल्व तो कर रहे हो, x कोई ऐसी वैल्यू आई नहीं है, यानी y जीरो हो ही नहीं पा रहा होगा.
y जीरो नहीं हो पा रहा मतलब x आएगा ही पॉइंट, x तो पॉइंट मिल नहीं पा रहे होंगे आप, है ना, y जीरो नहीं हो पा रहा है मतलब x एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस ही ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको y जीरो मिलेगा। पता नहीं सबको कि x एक्सिस ही ऐसी लाइन है जहां पर y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, y is equal to x minus 1 का स्क्वायर। कैसे पता चलेगा, खोल लो इसको, पहले खोल लो जाते तो खोल दो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऑब्वियस सी बात है एक इलेवन जीरो है, अपवर्ड ओपनिंग आएगा ही अपवर्ड, ठीक है अपवर्ड ओपनिंग आएगा। सॉल्यूशन क्या है, यहीं से कर लो ना, जीरो के लिए सॉल्व करोगे, जीरो के लिए सॉल्व करोगे मतलब x माइनस 1 की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 1। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा भी वही आएगा, एक सॉल्यूशन थोड़ा आता है क्वाड्रेटिक का, दो आते हैं या आते ही नहीं है, तो दो आएंगे दोनों इक्वल आएंगे 1 और 1, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा कर अपवर्ड ओपनिंग भी है और 1 पर हो रहा है कहानी आ जाएगी, चाहे तो चेक कर लो, मैं कंफर्म कह सकता हूं इसको, डिफरेंशिएट करके आप चेक करोगे ना, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, करो इसको डिफरेंशिएट, कितना आया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 1 आ रही होगी, 1 पर ही तो, 1 पर ही तो ये आपका 1 पर ही तो, ठीक है ना, 1 पे ही तो वैल्यू जीरो दे रहा होगा और यही मिनिमम भी होगी यहाँ पर, ग्राफ जिससे आपसे बना हुआ है मिनिमम वैल्यू यहीं पर आएगी, ठीक है कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 वापस पुट कर लो देखो 0 बन जाएगा, अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डाउट तो नहीं है किसी को, दिक्कत है तो बता दो, हाँ भाई इसको दिक्कत है क्या, हाँ तुलसी मैं समझ में आ गया, हाँ सर ठीक है, अगला लास्ट वाला कर लो, चलो लास्ट वाला,
हो गया लास्ट वाला भी, लास्ट वाला हो गया सब। चुबिया तेजस, हाँ सर यस हो गया लास्ट वाला हो गया। हाँ सर ठीक है। देखो यार पहले तो ये नेगेटिव है, ये वाला फैक्टर ए लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग, ठीक है ना, डाउनवर्ड ओपनिंग आएगा। बाकी क्या करो, सॉल्यूशन निकाल लो उसके, बस इतनी सी तो चीज करनी होती है, इतने से ग्राफ पता चल जाता है क्वाड्रेटिक का। जीरो के लिए सॉल्व करोगे यार माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, या क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करनी आती है ना, या वो भी बताना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना आता होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस फोर, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन ले लो, एक्स माइनस फोर, तो यहाँ तो ये आएगा, तो ये रखा है एक्स माइनस फोर माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। क्या क्या सॉल्यूशन आगे, या तो फोर होगा, या तो फोर होगा, या फिर आपका माइनस का थ्री आएगा, या तो फोर होगा या तो माइनस थ्री होगा, ये तो पॉसिबिलिटी है फिर इसमें, है ना। माइनस का थ्री में भी सही हो जाएगा, माइनस का थ्री आएगा तो उधर प्लस थ्री आएगा ना फैक्टराइजेशन में। वही मैं कह रहा हूँ, तो थ्री आ जाएगा, वही वापस चेक कर रहा था मैंने, क्या माइनस थ्री को इसमें पुट करके देख रहा हूँ, मैंने कहा जीरो तो हो नहीं रहा, थ्री को पुट करूंगा, हाँ साथ ये ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो फोर कॉमा थ्री आ गए, मतलब फोर फोर भी आ गया और थ्री भी आ गया आपका। ग्राफ से शायद डाउनलोड ओपनिंग है, और एक बार थ्री पर होगा, मैं उस ऊपर मानता हूँ, क्या बना लेते हैं, देखो कैसा बनेगा ग्राफ। ये हो गया, यहाँ कहीं थ्री होगा और यहाँ कहीं होगा फोर कॉमा जीरो, मान लो बस यहाँ से पास होना है और डाउनलोड ओपनिंग होना है, कंफर्म है। अब डाउनलोड ओपनिंग होना है तो मतलब ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे करके आएगा कुछ। अब आपसे इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट में, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम तो माइनस इनफिनिटी चले जाएगा, मैक्सिमम पूछेगा आपसे, तो मैक्सिमम पूछेगा तो क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो कर लो। ये पॉइंट निकालना है अगर, अरे यार जरूरी नहीं है हर बार ये बीस का पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है 3.5 ही मिलेगा हमेशा, ठीक है ना, जरूरी नहीं है 20 का पॉइंट मिले, वो 20 का पॉइंट तब मिलेगा जब ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो एक बार चेक कर लेना, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके देख लेना, डीवाई बाई डी एक्स करोगे कितना आ गया, माइनस टू एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू 3.5 आ गई, ठीक है। ऑल दो क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो ग्राफ आता है सिमेट्रिक होता ही है बीच वाले पॉइंट के अबाउट, अब ये सेम लेवल पर ही है, हाँ वो उतना ही आएगा, तो लेकिन आप कर लेना यार 20 का पॉइंट, ऐसे मत लेना, डिफरेंशिएट करके ही कर लेना, ठीक है 3.5, इसको वापस पुट कर लो, इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये वाला भी पता चल जाएगा ये कितना ऊपर है, मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी आपको, ठीक है। दोबारा चेक, दोबारा डिफरेंशिएट करके देखो, दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू क्या लेस देन जीरो है, यानी इस लोकेशन पर मैक्सिमम मिला होगा, इस लोकेशन पर मैक्सिमम मिला होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से हो गया होगा इसमें ग्राफ में, ए यार एक तरफ आ गया ना समझ में, किसी को कोई दिक्कत बताओ, आगे बढ़े। हाँ सर ठीक है, चलो तुम्हें साइन एक्स कॉस एक्स के कर्व भी बता देता हूँ थोड़ा, है ना, या फिर वो बता के अभी कोई, चलो बता ही देता हूँ,
मैं इंटीग्रेशन में मैंने वो नहीं बताया था साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है? क्या करना है पहले पहले चलो साइन और कॉस की कर्व बता देता हूँ आपको। देखो इतना तो हो गया, अब e की पावर x का कर्व बताना है, e की पावर x का log x का अभी जरूरत नहीं है, वो मैथ में बता देंगे सर अपने आप, ठीक है ना? हमें जरूरत नहीं है मैथ में, फंक्शन फंक्शन से पहले ग्राफ ग्राफ पढ़ा देंगे सर आपको, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन x, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू साइन x। अच्छा ग्राफ कैसे बनता है किसी भी, उसका x लगाते जाओ y आते जाएगा, x लगाते जाओ y आते जाएगा, है? x को जीरो पुट करो, बताओ भाई। हाँ तेजस कैसे बनेगा इसका, x को जीरो पुट करोगे y की वैल्यू जीरो, ठीक है? तो यानी यहां से तो जाएगा ही जाएगा, इस पॉइंट से तो जाना ही जाना है। अच्छा x को कितना पुट करूंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आती है, x को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ कहां पर आएगा मैक्सिमम वैल्यू, 180। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है तेजस, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू श्रुति 1 कितने एंगल पे होती है, कब होती है? 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं, रेडियन में क्या बोला जाता है, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 तक क्या होगा, 90 तक क्या होता है, वैल्यू बढ़ते जाती है, बढ़ते गई बढ़ते गई बना गई, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं आता है, बीच में और भी पॉइंट लोगे ना, पाई बाय 6 पुट करना, पाई बाय ये पुट करना, देखना एक लाइन में नहीं आते, थोड़ा सा कर्व टाइप का बन के आएगा ऐसे करके, एक्स बढ़ाते गए वैल्यू बढ़ते गई बढ़ते गई ऐसा आएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वैल्यू गिरना चालू होती है, आपको अगर याद होगा तो पाई पर वैल्यू जीरो आएगी वापस, पाई पर साइन 180 जीरो होता है, तो ये कर्व आपका घूमेगा ऐसे करके यहाँ से ऐसे, फिर वो अपने आप को रिपीट करता है इस तरीके से। अच्छा नेगेटिव में भी ऐसा ही चलेगा, इस तरीके से चलते जाता है, ठीक है? कर्व से उल्टा, कर्व से भी आप पकड़ सकते हो चीजों को, कर्व से भी आप उल्टा पकड़ सकते हो, एक बार कर्व आगे दिमाग में तो आप वैसे ही बता सकते हो कहां पर क्या क्या चल रहा है। ये वाला आपका माइनस फाइव बाई टू होगा, ये वैल्यू होगी आपकी 1, ये वाली वैल्यू चलेंगी आपकी ये वाली या फिर ये वाली वैल्यू माइनस 1, ठीक है ना? 1 से माइनस 1 के बीच में चलेगा, तो साइन एक्स का कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है? साइन स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या करेगा, साइन एक्स आपने कुछ भी निकाला नेगेटिव वैल्यू आ रही है, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, चलेगा कोई ऐसा ही, नीचे वाली चीजें ऊपर आ जाएंगी, ये वाला चीज प्लट के ऊपर आ जाएगी आपकी, ठीक है? हाँ थोड़ा चेंजेस और आते हैं, हल्का सा यहाँ से अंदर को जाता है साइन स्क्वायर एक्स, हल्का सा अंदर को होगा दब जाएगा कर, ऐसे करके आएगा कुछ, ऐसे करके कुछ आएगा, लेकिन अभी हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है? तो आप तो बस ऐसा नेचर पता होना चाहिए कि ग्राफ आगे से रहे, ऐसे करके बनेगा, बताओ क्यों बनेगा, एक बात बताओ, अगर पाई बाय 4 पुट करोगे, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, तो साइन क्या दे देगा, साइन तो दे देगा, साइन एक्स क्या दे देगा, 1 बाय रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, 1 बाय रूट 2 को डेसिमल में लेकर आओगे 0.707 आएगा, 1 बाय रूट 2 होता है 0.707। अगर साइन स्क्वायर एक्स का हिसाब से चलोगे, साइन स्क्वायर एक्स के हिसाब से चलोगे तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 1 बाय 2 जो कि होता है 0.5, ठीक है ना? अब ऐसे समझो ना, साइन एक्स 0 से लेके आपको 90 तक जाना है, साइन का फंक्शन हमेशा 1 से छोटी वैल्यू देगा, 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, तो ओरिजिनल साइन एक्स का ज्यादा आएगा उतने पर ही साइन स्क्वायर एक्स कम वैल्यू देगा, साइन एक्स ज्यादा देगा ऊपर का, साइन एक्स इतना देगा तो साइन स्क्वायर एक्स सिर्फ इतना देगा, थोड़ा कम देगा, तो इसलिए कर्व अंदर को दब जाएगा, ठीक है? चलो इतना काफी है इसमें, आप साइन एक्स को दिमाग में रखो, ठीक है? बाकी आपका फिर अगला कॉस एक्स। हाँ भाई कॉस एक्स का कैसे होगा, कॉस एक्स साइन एक्स एक ही टाइप के चलते हैं लगभग, बस फर्क क्या हो जाएगा,
और एक्स प्लस इतना सा हो जाएगा, वाई इक्वल टू अगर कॉस एक्स प्लॉट करना है पूरा कितना हो जाएगा, जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे मैक्सिमम दे देगा, ये वन दे देगा आपको, है ना, ये वन पर पहुंचा देगा, जो आया हुआ है वन हो जाएगा, चलो वन लिख देते हैं खाली। फिर उसके बाद 90 की ओर को जाओगे तो जीरो लग जाएगा। यहां अगर मैं पाई बाई टू बोल देता हूं तो ये जीरो हो जाएगा। फिर 180 जाओगे तो माइनस वन हो जाएगा, 180 जाओगे तो माइनस वन हो जाएगा, पाई पर इसकी वैल्यू आएगी माइनस का वन। फिर उसके बाद ऐसे करके बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे करके चलता ही जाएगा इधर को भी इस तरीके से, ठीक है। ये cos x हो जाएगा आपका, cos x अगर वैसे करके आएगा कुछ, sin x का कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आपको दो चीजें थी इंटीग्रेशन में, और मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं बता रखा है, तो दो चीजें देख लो भैया, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। ग्राफ में किसी को कोई दिखता है साइन एक्स का कॉस एक्स का, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अभी, ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स में हो जाएगा ये सब। चलो देखो, अच्छा कल के दिन में एरिया अंडर कर्व में, चलो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, एरिया अंडर कर्व में अगर जरूरत पड़ेगी ना इसकी, ट्रिग्नोमेट्री सर ने पढ़ाई थी ना, तो साइकिल रिपीट हो कितने के बाद साइकिल रिपीट होने लग जाती है, वापस साइकिल कितने के बाद रिपीट होती है साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब कितने के बाद रिपीट हो जाती है वापस, तेजस तेजस 360 के बाद साइकिल वापस से वैसे ही चलने लग जाती है। 360 का मतलब कितना होगा, कितना रेडियन हो गया, रेडियन में कितना हो जाएगा, 2 पाई, है ना, पाई 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर से वैसी साइकिल, बिल्कुल जैसे यहाँ रखा वैसे ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर भी माइनस 2 पाई तक जाओ, उसके बाद साइकिल फिर से रिपीट करो माइनस 2 पाई, यहां से यहां तक, ठीक है, अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करने लग जाएगा। जब 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा होगा, अब आपसे पूछेगा एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आ गया, मान लो आपसे कहेगा 0 से लेकर 2 पाई तक बताओ, अगर आप इंटीग्रेशन से चलोगे तो आप आंसर आपको 0 आ जाएगा, बताओ क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका तो देगा पॉजिटिव, इसका देगा नेगेटिव, और आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके देख लो, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके देख लो इसको, साइन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई करके देखो, कायदे से ही आना चाहिए था, है ना, 0 से 2 पाई करके देखो, कायदे से ही आना चाहिए था। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुट करके देखो 1 - 1 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। तो ऐसे में क्या करना है, जबकि आंसर एरिया अंडर कर्व 0 थोड़ा ना आएगा, एरिया अंडर कर्व तो दिस ये होगा प्लस ये होगा, कभी भी 0 से 2 पाई में पूछेगा तो बेटर है 0 से पाई में निकालो, प्लस का ही आएगा, पाई से 2 पाई में अलग से निकाल लो वो माइनस का आएगा, फिर उसमें मॉड लगा देना, आई बात समझ में, या फिर क्या है, जैसा ये 0 से पाई में चलता है वैसे ही पाई से 2 पाई में चलता है, बस नेगेटिव में चल रहा है, तो 0 से पाई में जितना एरिया आ रखा है उसका दुगना कर लो, उसका ट्वाइस कर लो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप, मतलब मैं बेसिकली अगर यहां से यहां डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो 0 आ जाएगा आंसर, ये समझ में आया ना, इस चीज को तो प्लस देगा इसको माइनस देगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका देखो 0 आ जाएगा, पुट करके देखो, लिमिट cos 2π cos 360 भी 1 होता है, माइनस cos 0 वो भी 1 होता है, 1 - 1 0 कहानी खत्म। चलो देखो, उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आई हैव क्लास, आठ बजे से क्लास है क्या इसकी? क्लास केतन जाओ जाओ फिर इसमें क्लास, रेगुलर क्लास में अटेंड किया था. साइन स्क्वायर एक्स बताया तो था मैंने, याद है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस के टर्म्स में चेंज करना है ना, पहले उसको कॉस 2x में लाना पड़ेगा. ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा, ना सब्स्टिट्यूशन से होगा ना किसी से होगा. तो दो खास होते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है? तो क्या करोगे, कॉस 2x का आपको याद है कॉस 2x कितना होता है? कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, बताओ. ठीक है, तो कल के दिन में sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx. यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 2 बाहर आ गया है, सबसे बाहर आ गया 2. इंटीग्रेशन ऑफ 1dx माइनस cos 2dx. यार cos 2dx का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, cos 2x को थोड़ी देर के लिए ही मान लेना, ठीक है? हाफ dx का इंटीग्रेशन x माइनस, चलो मैं बता देता हूं, इसका इंटीग्रेशन आएगा sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2 ये हो जाएगा, प्लस c और लगा देना. बेसिकली x by 2 माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c. आ गई बात समझ में? कभी भी cos square x या sin square x को इंटीग्रेट करना है तो पहले cos 2x का इस्तेमाल करके उसको उसमें ले आओ. देखो अगर ऐसा होता इसके साथ में डिफरेंस समझो, अगर इसके साथ में आपको दे देता, इसके साथ में आपको दे देता साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स टी एक्स, यानी इसमें तो चाह रहे आपको कि साइन एक्स को टी मान लो. साइन एक्स को टी मानोगे आपका काम बन गया. देखो कॉस एक्स टी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इंटीग्रेशन किसका बच गया खाली? टी स्क्वायर डी टी, ठीक है? अब यहां पर टी मान तो लोगे लेकिन हटेगा नहीं ना, कॉस एक्स फंस जाएगा, हटेगा नहीं हो यहां पर. तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट करो cos x आ गया, ये अपने आप ही हट रहा है, ठीक है? उसके बगल में दूसरा दे रखा है, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है आपका. हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अलग चलो, शायद उधर से हो जाए आपसे, लेकिन वो आपके अभी नहीं पढ़ाया जाता है, वो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा अगले साल. तो आपको अगर अपने लेवल पर तकना है तो इसको क्या करो, cos 2x वहां भी यही करते हैं, cos 2x से चलते हैं, इसी से चलते हैं, ये ज्यादा आसान पड़ता है. कितना समय लेगा ये, थोड़ी मैथ्स में अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो मेरे ख्याल से 20 सेकंड की चीज है, ठीक है? 21 सेकंड में हो जाएगा. अच्छा सेम तरीके से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का भी हो जाएगा. कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या करोगे, 1 प्लस कॉस 2x, बस बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस 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 यहाँ पर प्लस. तो कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम चलने वाला है. हाँ भाई कोई दिक्कत इसमें? चलो भाई हाँ, जिसके डाउट्स वगैरह है ना, डाउट वगैरह बता दो, डाउट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सर डीपीपी 6 में बता दो इसको, मिटा दो, बताते जाओ मेरे पर डीपीपी मोबाइल में, वो करना पड़ेगा. आप सीधे क्वेश्चन ही बता दो मेरे को, क्या क्वेश्चन है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बताते जाओ जिससे जो डिफरेंशिएशन. हाँ बताओ बताओ क्या दे रहा है क्वेश्चन में, क्या दे रहा है?
The height h in meters of an object varies with time t in seconds as h is equal to 10t minus 5t square. If the maximum height in m attained by the object is n upon 3, then find out the value of n. क्या बोला है? The maximum height attained, है ना? Maximum height attained, maximum height h max आपसे बोल रहा है, n by 3 है, ये तो बोल रहा है, n निकालो, क्या करना है? Maximum minima का है, maximum value निकाल दो, क्या होगी भाई? Yes, maximum value, ds by dt करो, कितना आ गया? 10 minus differentiation आता है ना, t का 1 हो जाएगा 5 टी स्क्वायर का 2 आएगा तो 10 इंटू टी हो जाएगा. बताओ यहां तक कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन आता है ना, इतना क्लियर है? हाँ सर. इसको इक्वल टू पहला स्टेप क्या होता है? जीरो करो तो टी की वैल्यू आ जाएगी. 1 सेकेंड, एक बार चेक कर लो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम. क्या कर तो डबल डिफरेंशिएशन लगा दो. डबल डिफरेंशिएट करोगे 0 माइनस 10, यानी बेसिकली लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है इस पर मैक्सिमम मिला होगा. बताओ लेस देन 0 आ गया और माइनस आ गया ना, माइनस का 10 आ गया तो लेस देन 0 है, मतलब इस समय पर हमें मैक्सिमम मिल रखा होगा. वापस पुट कर दो वहां पर तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्स 1 सेकेंड को ऊपर पुट कर लो, 10 माइनस 5 5 आ जाएगी. हाँ 5 आ जाएगी. अब वो n by 3 की फॉर्म ला रहा है तो एक काम करो, इसको ऊपर नीचे 3 से ये कर लो तो 15/3 बन जाएगा. 15 आ रहा है क्या आंसर? आंसर कितना दे रहा है? 15 है क्या? हाँ सर 15 है ना, तो आंसर तो 5 आ जाएगा. वैसे अब वो इस फॉर्म में करवा रहा है आपसे कि भैया n अपॉन 3 की फॉर्म में ले जाओ, तो ऊपर नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 15/3 बन गया, तो n की वैल्यू आपकी ये, या फिर इसको ऐसे कर लेना. आपका आंसर आया ये और वो कह रहा है इतना है तो n अपॉन 3 कर लो तो n की वैल्यू वापस 15 आ जाएगी, है ना? जैसे करना है वैसे कर लो. जो आपका आंसर आ रहा है और जिस फॉर्म में दे रहा है दोनों को इक्वेट कर लो, एन अपने आप ही आ जाएगा. और बताओ सर, आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे ना? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं. और बताओ, और किसी का कौन सा डाउट है भाई? हाँ सर, डीपीपी सर, इफ एफ ऑफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स and the value of f differentiation is pi upon 4 is 30 upon n. Ruko. Then? The value of f is pi upon 4 is equal to 30 upon n. Find the value of n. Kya keh raha hai? Dobara bolna. Pehle to f x kitna de rakha hai, fir kya bola hua hai? फिर एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू एफ डिफरेंशिएशन पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 30 अपॉन एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. हां तो क्या हो गया भाई? ये तो दे रहा है उसने, ऐसे करके दिया होगा कुछ. ठीक है सर, ये कौन सा है? कौन सी डीपीपी है भाई? A5. A5 मतलब 5th DPP है क्या? 5th DPP का 8th सम. ठीक है, देखो इसको क्या करो, पहले तो डिफरेंशिएट कर लो, f dash x ले आओ. इनफैक्ट इसको माइनस का cos 2x हो जाएगा, जरा ध्यान दो. पहले तो थोड़ा छोटा कर लो, cos 2x के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा ये, माइनस cos 2x होगा. देखो करके देखो, sin square x को लिख दो ना, sin square x को लिख दो 1 माइनस cos square x
तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, वो माइनस का कॉस 2x हो जाता है, ठीक है, वहां से फायदा मिल जाएगा आपको कि यार डिफरेंशिएशन में थोड़ा आसान पड़ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा, माइनस का माइनस रह गया, कॉस 2x का कितना हो जाएगा, कॉस 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x, अब ये अंदर वाला x था नहीं, उसका डिफरेंशिएशन और करोगे तो 2 और आ जाएगा बाहर, बताओ यहां तक दिक्कत है क्या, इतना समझ में आया या फिर डायरेक्ट करते रहो, मत करो कन्वर्ट, लंबा पड़ेगा बस थोड़ा सा, sin square x का डिफरेंशिएशन आएगा 2 sin x cos x, सेम तरीके से इसका भी डिफरेंशिएट करो, बस आपको ज्यादा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी, इसमें क्या बस एक बार पुट करो काम बन गया आपका, तो कितना हो जाएगा 2 sin 2x, ये तो x x, अगर जब आप pi by 4 पुट करोगे तो 2 sin 2 pi by 4 कितना हो जाएगा, 2 से 4 को काटो pi by 2 बनेगा, sin pi by 2 हो जाता है 1, बताओ तो आंसर आपका 2 आ गया, आपको किस फॉर्म में दे रखा है 30 upon n, तो n की वैल्यू 15 आ जाएगी, बताओ आंसर तो यहीं तक है, बाकी तो खाली क्वेश्चन को घुमा रहा है वो, है ना, इंटीजर टाइप बनाने के लिए, और इंटीजर टाइप भी बनाना चाह रहा है और ऊपर से पूरा वैल्यू अलग टाइप की, तो उसने उसको 30 अपॉन एन की फॉर्म में लिख दिया। अरे आ गई बात समझ में, हां सर, क्या दे रहा आंसर, ये दे रहा होगा सर, ठीक है, और बताओ भाई सर, एक्सरसाइज में सर, बोलो बोलो, बस बोलते जाओ, तुम कहीं से भी है बता दिया करो सर, इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एबी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एबी कॉस थीटा, हां, इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वेक्टर का आगे क्या, नो सर, एक्सरसाइज 2 का, हां, मॉड मॉड A equal to mod B. Then find the magnitude of R. Vector का ही तो है. Vector का question नहीं है. No sir. Vector का ही तो आ गया इसका इसका. A और B का magnitude बराबर है. किस form में दे रहा answer? इसका कुछ वो दे रहा क्या? 2 A cos theta by 2 type का आता है क्या? अरे ये क्वेश्चन कराया तो था वेक्टर में, रुको एक सेकंड, मेरे पास भी ये मॉड्यूल मॉड्यूल है इसका, ये इसका, हां सर, हां सर, एक्सरसाइज 2, ठीक है ठीक है, एक्सरसाइज 2 में सर सिक्स्थ क्वेश्चन, तुम्हारा क्या होगा सिक्स्थ क्वेश्चन, हमारा क्या होगा इसमें, पुरानी वाली एक्सरसाइज है इसमें, हाँ दे रखा है, अरे तो वेक्टर का ही तो है उसने, देखो जरा इतने बड़े बड़े उसमें बोल्ड लेटर में कर रखा है उसने, ए ए को ब्लैक बना रखा है, मैंने कहा था ना वो जब भी ए को या तो ऊपर से एरो बनाएगा या फिर वो सीधे सीधे उसको वो बताएगा, डार्क कर देगा, डार्क कर देगा मतलब वो वेक्टर क्वान्टिटी है, देखो डार्क किया होगा, डार्क किया ना सर, हाँ सर, हाँ, बाकी क्वेश्चनों को थोड़ा ना बोल्ड में लिख रखा है उसने, तो वो वेक्टर का है, और ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, यार क्वेश्चन नहीं करा था, सॉल्ड एग्जांपल में भी है, जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो कितना निकल के आएगा, देखो क्लास में करा रखा है क्वेश्चन, वेक्टर वाले में एब्सेंट थे क्या, नहीं वो मार्क किया था इसलिए मैंने पूछा, हाँ तो वो वेक्टर का है, वेक्टर में करा रखा है यार, ये सॉल्ड एग्जांपल कराया है, सॉल्ड एग्जांपल में भी है, करवा दिया था मैंने, ठीक है, कुछ नहीं है इसको, बस mod a is equal to mod b a ही मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, तो a square plus a square, ठीक है, a is equal to b मान लो, 2 a square cos theta, 2 a square common आ जाएगा bracket में 1 plus cos theta, 2 a square 1 plus cos 2 theta, 2 cos square theta by 2, यानी 4 a square cos square थीटा बाय 2, ये आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 ए कॉस थीटा बाय 2, ये आ जाएगा आंसर,
ठीक है, और बताओ और कोई डाउट किसी का? हाँ सर बोलते जाओ। बोलो बोलो। If f of x is cos cube x square. Cos cube x square. Square. हाँ. Find differentiate. मतलब differentiate. Differentiation ना? हाँ भाई, सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा इसमें? फंक्शन का क्यूब है, पहले तो इसको ऐसे देखो कि भाई ये इसका क्यूब है, तो सबसे पहले तो 3 cos x square की पावर 2 है ना, फंक्शन की पावर n वाला रूल लगेगा। साथ में डिफरेंशिएशन लगा दो किसका, जो भी फंक्शन था, क्या था फंक्शन? cos x square। एक स्टेप करके लिखोगे तो काम बन जाएगा, 3 cos square x square, ये तो ऐसे का ऐसा रह गया cos। अब इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो, क्या है फंक्शन के अंदर फंक्शन है, cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, वैसे का ऐसे हो जाएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ले लो इतना आ गया 6x माइनस का cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, किस फॉर्म में दे रखा है वो देखने वाली बात है। आंसर किस फॉर्म में दिया है? इसी फॉर्म में दे रखा है कुछ और? हाँ सर यही फॉर्म में दे। ठीक है, समझ में आई बात? सबसे पहले तो फंक्शन की पावर एन वाला लगाओ, तो ये होता है पावर कम हो गई, अब अंदर फंक्शन को डिफरेंशिएशन पर लग जाएगा, रूल होता था पावर चेन रूल, सबसे लास्ट वाला जो कराया था, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। पावर चेन रूल, तो फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएशन में लगाओ। अब इसमें देखो, इसमें क्या चेन रूल लगेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन उतर गया, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएशन और लगा दो, तो 2x आ जाएगा वहां, बस उसी को अरेंज कर दो थोड़ा। ये एक्स स्क्वायर एंगल की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना? और बताओ, हाँ सर, if f of x is root sine or root x, f of x is root sine x root, नहीं सर x भी root पे, अच्छा differentiation, यार वही तो कहानी है, सब कुछ वही तो है, क्या है इसको sine root x मानो, sine root x की power 1/2, ऐसे तो चल रहा है, तो f dash x कैसे निकलेगा? f dash x सबसे पहले पावर चेन रूल लेगा, हाफ साइन रूट एक्स, पावर एक कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी तो माइनस का हाफ आ जाएगा, बताओ, ठीक है, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन और लगा दो, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन और आ जाएगा, तो यहां से कितना हो गया, हाफ माइनस हाफ है, माइनस हाफ का मतलब हो गया रूट, वो भी नीचे, तो साइन रूट एक्स, ये तो ये हो गया, ठीक है, इसको नीचे माइनस हाफ को प्लस करने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, और हाफ है तो रूट हो जाएगा, फिर साइन फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन का डिफरेंशिएशन पहले तो कॉस आ जाएगा, कॉस रूट एक्स, साथ में डिफरेंशिएशन और लगा दो अंदर वाले का, रूट एक्स का, रूट एक्स क्या है, एक्स की पावर, रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ करते जाओ, ये ऐसे कॉपी, x की पावर हाफ का इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन हाफ, x की पावर माइनस हाफ, ये हो गया, और इसको नीचे ले लो ना, कितना आ जाएगा 1/4, दिस अपॉन दिस करोगे तो कॉट का बन जाएगा, देखो जरा ना, अब डिपेंड करता है किस फॉर्म में दे रखा है आपका, चलो ऐसे लिख लेते हैं अभी, कॉस रूट एक्स रूट साइन रूट एक्स, ठीक है, और ऐसे करके 1/√x, बताओ किस फॉर्म में दे रखा है, ये cos के अंदर है root x, ये sin का अंदर एंगल में root x है, ये root x अलग से बाहर, इस फॉर्म में दे रखा है कि cot root में कन्वर्ट कर रखा है कुछ? नहीं सर इस फॉर्म में ही दिया। हम्म,
और बताओ भाई, समझ में आया? सेम ही चीज है, यहाँ पर थ्री और टू दे रखा है पावर, इस बार हाफ और हाफ हो गया अंदर, वैसे तो चलेगा। सर x plus 1 upon x minus 1, fx is equal to x plus 1 upon x minus 1. Then the value of f of x is, or option C. ठीक है, कितने f of है? f of, तीन f है क्या? हाँ, ये दो है, तीन है ना, फंक्शन क्या कह रहा हूँ? अच्छा, एफ एक्स का मतलब क्या है? एक्स के हिसाब से एफ ऑफ वन क्या होता है? एफ ऑफ वन क्या होता है? एक्स की जगह पर वन पुट कर दो, समझ में आता है क्या? एफ एक्स है, एक्स का फंक्शन है, ये आ रहा है, एफ ऑफ वन निकालना है मतलब एक्स की जगह पर वन पुट कर दो, एफ ऑफ टू निकालना है एक्स की जगह पर टू पुट कर दो, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है अगर आपको, तो क्या करो, एक्स की जगह पर एफ एक्स पूरा कर पुट कर दो, एफ एक्स कितना है, अब ऐसे करो, एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स को वापस पुट कर लो, एफ एक्स कितना था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये समझ में आया कि भाई एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, ये आ रहा है, एफ ऑफ टू निकालना होता है तो एक्स के ऊपर टू पुट कर लेते हो, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना मतलब एक्स की जगह पर आपने पूरा एफ एक्स पुट हो जाना है। हाँ हाँ, छोड़ सकते हो भाई, क्लास छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, एक्स की जगह पर एफ ऑफ एफ एक्स डाल लो, है ना, एक्स की जगह पर पूरा एफ एक्स काम कर रहा है, तो ये हो गया। एलसीएम वेलसीएम लो, जरा एलसीएम वगैरह लोगे, यहाँ से यहाँ लोगे, एलसीएम वन से वन करेगा, टू एक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका माइनस अपॉन टू, यानी एक्स बच जाएगा, बताओ। तो एफ ऑफ एफ एक्स तो इतना आ गया, अब क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स, अब ये चीज हमने जान ली है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बेसिकली इसकी वैल्यू आ रही है x, है ना, f of x कितना है, x है, तो हमें बाद में वापस f of x निकालना है, और f of x तो हमें पहले से पता है कि x plus 1 upon x minus 1, तो कुल मिला के बहुत f of x हो गए, कुछ समझ में आया क्या, ये बताओ क्या हुआ है? हाँ, किसने पूछा था, श्रुति ने पूछा था, किसने पूछा था? ₹100 तो एक्स निकल के आ जाएगा अगली बार। अब आ जाओ अपने ओरिजिनल पे वापस, क्योंकि f of x पूछा है, अंदर वाले की पूरी वैल्यू मैंने निकाल तो ली है, कितनी है निकाल के, x आई, यानी बेसिकली मेरे को f of x निकालना है, और f of x तो हमें पहले से पता चल रहा है ना, वही है, और कोई डाउट? So find dy by dx. X cube plus y cube is equal to 18x square. X cube plus y cube is equal to 18x square. अच्छा, यार ये implicit function बताया था मैंने आपको, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर dx, इंप्लिसिट फंक्शन है ना, इसको y इज इक्वल टू x की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना होगा,
ऐसे डिफरेंशिएट करना होगा तो इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशिएशन बताया था आपको, x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर dy is equal to 18. तो वैसे का वैसा x y का डिफरेंशिएशन x को रोक के रखो, y का डिफरेंशिएशन dy प्लस y को रोक के रखोगे x का डिफरेंशिएशन dx, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना बता रखता है आपको, दो तीन क्वेश्चन कराए थे वहां पर याद होगा तो ठीक है. x क्यूब का 3x स्क्वायर dx, dx लगाना मत भूलना, यहाँ पर dy लगाना मत भूलना, फिर 18 प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक बार x को रोक के रखो y का डिफरेंशिएशन dy आ जाएगा, फिर y को रोक के रखो x का डिफरेंशिएशन dx आ जाएगा. अब क्या करो, dy के dy वाले टर्म कॉमन ले लो, dx वाले कॉमन ले लो. तो अगर dy इधर लिखता हूं तो 3y स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू dx, यहां लिखता हूं तो 18y माइनस 3x स्क्वायर, 18y माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा. तो dy बाय dx कितना आ गया, dy बाय dx, इसको dx को यहां ले आओ, इसको नीचे भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 भी कट जाएगा, देखो 3 कॉमन लेके कट जाएगा, तो 6y माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 6x, बताओ समझ में आया डिफरेंशिएशन ऑफ अ इंप्लिसिट फंक्शन, बताया था पहले भी, x क्यूब का 3x स्क्वायर dx, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x को रोक के रखो y का डिफरेंशिएशन dy, y को रोक के रखो x का डिफरेंशिएशन dx. और कोई दिक्कत, किसी का और कोई डाउट? तो और कोई So the velocity of particle is given by v is equal to 2t raised to 4. Then its acceleration dv by dt at any time t will be given by. Acceleration क्या होता है? dv upon dt नहीं कर पा रहे हो क्या? यही है देखो 2t की पार 4. तो 2 ऐसे का t की पार 4 का कितना हो जाएगा? 4t cube. 8t cube आ गया आंसर. इतना ही क्वेश्चन था तो एक्सेलरेशन में समझ नहीं आया. थैंक यू. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेक्टिलिनियर जब काइनेमेटिक्स सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी उसने डिफाइन कर तो रखा है, उसने डिफाइन कर रखा है एक्सेलरेशन dv / dt होता है, तो dv / dt निकाल के दे दो उसको. आई बात समझ में? उसने डिफाइन कर दिया है आपके लिए, आपको पता नहीं है, मान लो अभी नहीं पता है, काइनेमेटिक्स पढ़ लोगे तो वहां पर बताऊंगा एक्सेलरेशन यही होता है. तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 8t क्यूब. ठीक है, ये t के रिस्पेक्ट में आ गया, t समय पे एक्सेलरेशन इतना है, t इज इक्वल टू मान लो 1 पर पूछेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, t इज इक्वल टू 1 पर 8 आ जाएगा, 8 इंटू 1 का क्यूब, t इज इक्वल टू 2 पर पहुंचता है तो a की वैल्यू आ जाएगी 64 आ जाएगी. अब वो टी का फंक्शन आ गया, टी को पुट करते जाओ, जो भी पुट करना है अपने आप ही आ जाएगा. हाँ और बताओ भाई, अरे तेजस समझ में आ रहा है? हाँ सर. और कोई डाउट आउट है किसी का? और कोई डाउट? हाँ सर एक है, बताओ. y is equal to x bracket c minus c minus x. क्या bracket c minus x? Where c is the constant? हाँ वो तो ठीक है, ऐसा ही है, पहले देख लो. हाँ हाँ ठीक. हाँ सर ठीक है. Where c is the constant, find maximum value of y. कमाल रखते हो भाई, हैं? क्या ऐसी इक्वेशन अभी भी बताया तो है, देखो इसको ऐसे देख लो, सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन दे रखा है, इसके मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकाल पाओगे, हैं? हाँ सर. क्वेश्चन है किसका? क्वेश्चन है ये
कह रहा हूँ ना आपके जो तुमने पहले कर रखा होगा सॉल्व, ये धीरे धीरे हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखते जाओगे फिर वो चीज आसान लगने लग जाती है। कैसे करते हैं, किसका क्वेश्चन था मुदित, किसका था, तेजस का था, अंशु, अच्छा अंशु का, बताओ भाई सबसे पहले स्टेप क्या होता है मैक्स समझने के लिए, सबसे पहले स्टेप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, इसमें क्या सी तो कांस्टेंट है वो तो वैसे का वैसा एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू सी बाई टू आ गई। ठीक है आप चेक कर लो, चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर, एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है इतना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से माइनस टू बच जाएगा, माइनस टू है मतलब लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है मतलब ये वाला पॉइंट मैक्सिमा देगा। आपसे मैक्सिमा ही पूछा होगा, आपसे मिनिमम नहीं पूछा होगा, क्या पूछा है, मैक्सिमा है ना, तो यानी इस लोकेशन पर हमें मैक्सिमा मिल रहा होगा, कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू, वाई मैक्स कितना आ जाएगा, और इसमें मैं वापस पुट कर लो एक्स की वैल्यू सी बाई टू ब्रैकेट में सी माइनस सी बाई टू सी स्क्वायर बाई फोर आंसर आ जाएगा। बताओ अभी भी रिदम बना कि नहीं बना मैक्सिमम मिनिमम में, अंशु दिक्कत कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम अभी भी, नहीं नहीं सर आज ठीक है, वो आपको एक जो क्लास में क्वेश्चन चलाया था ना क्यूबिक वाला, हाँ। वो भी देख लेना, वो देख लेना जरा, वो बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, जनरली आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक मिल जाएगी, बस ये दो प्रॉब्लम में घूमोगे आप, स्ट्रेट लाइन पर लीनियर तो मिलेगी नहीं, ठीक है क्वाड्रेटिक मिलेगी या क्यूबिक मिलेगी, लीनियर कभी मिलेगी नहीं क्योंकि लीनियर क्या होता है, लीनियर का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की मिनिमम थोड़ी ना होती, मिनिमम मैक्सिमम, स्ट्रेट लाइन तो चलते रहती है इनफिनिट टू इनफिनिट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। और बताओ भैया, हाँ भाई किसी का कोई और डाउट, डाउट नहीं है तो क्लास खत्म कर देते हैं, डाउट है हो गया सबका।